अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुक। आज मैं आपको परफेक्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो कि मेरी आजमाई हुई रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए, ऑल पर्पज़ फ्लावर जिसे कहते हैं, 4 कप हमें ऑल पर्पज़ फ्लावर चाहिए। याद रखें कि जो भी आप मेजर करें तो मेजरिंग कप के ज़रिए ही करें, इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है बेकिंग में। इसके अलावा हमें खुश दूध का पाउडर चाहिए, ये हम डालेंगे इसमें 1/4 कप। चीनी आप बारीक पिसी हुई भी ले सकती हैं या इस तरह करके बारीक चीनी भी ले सकती हैं, 1 खाने का चम्मच हम इसमें ये डालेंगे। नमक हम हसबे ज़ायका डालेंगे, यहाँ पे मैं 1/2 खाने का चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट शामिल करेंगे 2 टीस्पून। याद रखें कि अगर आपका ईस्ट पुराना हो, यानी कि 3 से 4 महीने पुराना हो, तो आप 3 टीस्पून भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि वो अपना इफ़ेक्टिवनेस खो देता है। जितना ज़्यादा वो पढ़ा रहता है तो इतना ज़्यादा ही ये अपना इफ़ेक्टिवनेस खो देता है। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंस्टेंट ईस्ट क्या होता है, तो आज मैं आपको इसका पैकेट दिखा रही हूँ। ये आप देख सकती हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्टेंट ईस्ट, तो ये मैं इसमें यूज़ करती हूँ। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तेल आप कोई सा भी ले सकती हैं, मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, ऑलिव ऑयल बेस्ट रहता है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, यानी कि जैतून का तेल नहीं है, तो आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकती हैं, 3 खाने के चम्मच। तेल को भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको गूंधेंगे। गूंधने के लिए हमें 2 कप पानी चाहिए। इस तरह करके मेजर करके आप 2 कप पानी ले लें, जिसमें जिस कप में आपने फ्लोर को मेजर किया था वही कप आप पानी के लिए भी ले लें। और याद रखें कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पानी इस तरह होना चाहिए कि आप उसके बीच में अपनी उंगली डुबो सकती हैं और आपको जलन महसूस ना हो रही हो। तो इस तरह करके आपने पानी लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेंगे तो जो ईस्ट होगा वो कड़वा हो जाएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट मैं 2 कप पानी यूज़ करूँगी इसके नीट करने में। 2 कप पानी डालते हुए हम इसे मसलते जाएंगे, नीट करते जाएंगे, मुसलसल इसे गूंदना है। 5 से 6 मिनट तक गूंद लेने के बाद हम इसे ढक कर रखेंगे, ऊपर आप पानी लगा दें और इसे ढक कर तकरीबन 30 मिनट के लिए रख दें। तीस मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक सरफेस पर, यानी इस तरह करके किसी सरफेस पर हम खुश्क फ्लोर यानी कि खुश्क मैदा छिड़केंगे और इसके ऊपर डो को रखेंगे। डो को इसके ऊपर रख लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंधेंगे। याद रखें कि जितना ज़्यादा आप डो को गूंधेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। इस तरह करके हल्के हाथों से आपने मुसलसल इसे 5 से 6 मिनट तक गूंधते जाना है। अगर ज़्यादा आप गूंध सकती हैं तो आप ज़्यादा भी इसे गूंध सकती हैं। कम से कम आपने इसे 5 से 6 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट तक आपने इसे गूंधना है। इतना आपने इसे गूंधना है कि ये बिल्कुल भी हाथों से इसका चिपकना बंद हो जाए और इस तरह करके सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हो जाए। ये आप देख सकती हैं कि बिल्कुल ही सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हो गया है। मैंने तकरीबन इसे 7 मिनट गूंधा है और ये परफेक्ट सा डो हमारा तैयार है, बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपक रहा है। इसके तैयार होने की निशानी ये है कि इसके ऊपर आप हल्का सा इसे प्रेस करेंगी और ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह करके मैंने जूम करके आपको दिखाया हुआ है, ये आप देख सकती हैं, मैंने इसे हल्का सा प्रेस किया और ये ऊपर आ गया। तो ये डो हमारा बिल्कुल भी तैयार है। अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें ऑलिव ऑयल या फिर कोई सा भी ऑयल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस करेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद हम इसमें डो को रखेंगे। इस तरह करके हम डो को रखेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा ऑयल यानी कि तेल हमने इसके ऊपर लगा लिया है और इसके बाद हम इसे कवर करके यानी ढक कर रखेंगे किसी गर्म जगह पर। आप इसे बंद किए हुए ओवन में भी रख सकती हैं और आप इसे ऐसे भी रख सकती हैं। जगह गर्म होनी चाहिए, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं इसे राइस होने में। अगर सर्दियां हो तो आप इसे 6 से 7 घंटे भी छोड़ सकती हैं, लेकिन गर्मियों में 3 घंटे काफ़ी हैं। 3 घंटे हो चुके हैं और ये आप देख सकती हैं, डो हमारा अच्छे से राइस हो चुका है, डबल हो चुका है।
तो ये हमारे किसी भी पिज़्ज़ा में यूज़ करने के लिए अब रेडी है, आप इसे यूज़ कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और जो टिप्स मैंने आपको दी हैं तो आप इसे एज इज़ फॉलो करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका पिज़्ज़ा डो बनेगा और आप इसे कोई सा भी पिज़्ज़ा बना सकती हैं, चाहे आप ओवन के साथ बनाएं या बिना ओवन के बनाएं, तो इसी डो से आप बनाएं। और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।